वेलकम बैक टू द फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन. और हमारा जो ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 55, ये बेस्ड है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स का बताया हुआ बाजार कैंटीन मॉडल. फाइन, तो हम कवर कर रहे हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेक्चर सीरीज के लिए. सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट. एंड आप लोगों के लिए एक नई अपडेट है दैट आपके जितने भी क्वेरीज होते हैं जो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, हम संडे को उनकी एक स्पेशल क्लास लगाने वाले हैं जिसमें आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. तो आप लोग अपने जो क्वेश्चन है वो सबमिट करा सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वेदर रिगार्डिंग बुक्स, सिलेबस, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है. तो वो सारे क्वेश्चंस जो है आप अपने पर्टिकुलर वीडियो के नीचे आप राइट डाउन करें एंड ऑब्वियसली वो हम तक पहुंच जाएगा. और संडे जो है, संडे अराउंड 11 to 12 AM तक आपके जितने भी डाउट्स हैं जो आपने विद इन वीक पूछे हैं वो सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दिए जाएंगे. फाइन, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बाजार कैंटीन मॉडल. देखिए, नाम से पता चल रहा है बाजार कैंटीन मॉडल. कैंटीन क्या होती है? कैंटीन में आपको बाजार के या मार्केट के मुकाबले थोड़ा सस्ता सामान मिलता है. फाइन, तो यहाँ पर बाजार कैंटीन, बाजार मतलब मार्केट, तो हम यहाँ पर बात करेंगे इकोनॉमी की. तो देखिए, लास्ट जो था साला मॉडल जो था उसमें हमने देखा था कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी के बहुत सारे सबसिस्टम्स होते हैं. फाइन, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सबसिस्टम था उसको हमने साला मॉडल का नाम दिया था. और आज का जो ये है इकोनॉमिक सबसिस्टम, इसको हमने बाजार कैंटीन का नाम दिया. हमने नहीं, मतलब रिक्स ने, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने. सो रिक्स टर्म्ड द इकोनॉमिक सबसिस्टम ऑफ अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी बाजार कैंटीन. इकोनॉमिक सबसिस्टम का मतलब ये जो पर्टिकुलर वीडियो है या जो ये मॉडल है बाजार कैंटीन, इसके अंदर हम डेवलपिंग वर्ल्ड की या फिर प्रिज्मेटिक सोसाइटी की इकोनॉमी को स्टडी करेंगे. फाइन, तो सबसे पहले बात करते हैं डिफ्रैक्टेड सोसाइटी की. डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के अंदर जो इकोनॉमी होती है डिफ्रैक्टेड सोसाइटी की, वहां पर मार्केट फैक्टर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, दे गवर्न द मार्केट. कितनी सप्लाई हो रही है, क्या डिमांड है, उसके हिसाब से चीजों के रेट तय होते हैं, उसी हिसाब से काम चलता है, उसी हिसाब से मार्केट गवर्न होती है. फ्यूज्ड सोसाइटी में कुछ एरिना फैक्टर्स होते हैं जैसे रिलीजियस फैक्टर्स हो गए, सोशल या फैमिली कंसिडरेशन हो गई, उस हिसाब से चलते हैं. प्रिज्मेटिक सोसाइटी में दोनों मार्केट फैक्टर भी और एरिना फैक्टर्स भी, मतलब सप्लाई एंड डिमांड के साथ साथ अदर कंसिडरेशन, अदर सोशल फैक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में. फाइन, तो अदर फीचर्स जो है बाजार कैंटीन मॉडल के, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि प्राइस इनडिटरमिनेसी रहती है. प्राइस इनडिटरमिनेसी क्या है कि आप किसी भी चीज का प्राइस डिटरमाइन नहीं कर पाते. कुछ फैक्टर्स एकदम से सडनली कोई मतलब सप्लाई बढ़ गई, उस वजह से क्या हुआ, उसके रेट बढ़ गए, प्राइस बढ़ गया, इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया एकदम से. फर्स्ट क्या है, फॉरेन डोमिनेशन ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम. फॉरेन जो जो एमएनसीज होती हैं या फॉरेन डोमिनेशन ज्यादा रहता है इकोनॉमिक सिस्टम के. सेकेंड, स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल इंजॉइंग ऑल द बेनिफिट विद कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. कुछ लोगों का, पूरी सोसाइटी में से सिर्फ कुछ लोगों का इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ज्यादा दबदबा रहता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट इंजॉय करते हैं. एंड थर्ड वन मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, प्राइस इनडिटरमिनेसी, यानी कि प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए कोई पर्टिकुलर फैक्टर नहीं है या पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है. फाइन, एंड इन अ डिफ्रैक्टेड सोसाइटी एवरीवन गेट्स द सर्विस ऑन इक्वल बेसिस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड फेवरेटिज्म. जो डेवलप्ड कंट्रीज है या जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी है उनको सबको बिना डिस्क्रिमिनेशन के या बिना फेवरेटिज्म के सबको इक्वल बेसिस पे हर सर्विस प्रोवाइड की जाती है. बट प्रिज्मेटिक सोसाइटी में एक पब्लिक सर्वेंट और जो क्लाइंट होता है उसके बीच में कैसा रिलेशन है उस बेसिस पे आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी. ज्यादा अच्छा रिलेशन है तो हो सकता है आपको सर्विस इजिली मिल जाए या फिर थोड़ी सस्ती मिल जाए. और अगर आपके बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है, अगर आपका कोई पब्लिक सर्वेंट नोन टू नहीं है, तो हो सकता है कि वो सर्विस आपको महंगी मिले. फाइन, सो प्रिज्मेटिक सोसाइटी द प्राइस फॉर द सर्विस इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पब्लिक सर्वेंट एंड देयर क्लाइंटेल. एक तरीके से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है प्रिज्मेटिक सोसाइटी का, इट बिहेव लाइक अ सब्सिडाइज्ड कैंटीन टू द मेंबर ऑफ प्रिविलेज्ड ग्रुप. जो पब्लिक सर्वेंट को जानते हैं उनके लिए एक सब्सिडाइज्ड कैंटीन के तौर पे काम करता है. जैसे आर्मी वालों की कैंटीन होती है, वहां पर क्या है, आर्मी वालों को सब्सिडाइज्ड रेट पे हर चीज मिलती है. सेम वे में प्रिज्मेटिक सोसाइटी में जो इकोनॉमी है वहां पर कुछ लोग हैं उनका दबदबा रहता है और वो ज्यादा बेनिफिट इंजॉय करते हैं. फाइन, सो द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी बिहेव लाइक अ सब्सिडाइज्ड कैंटीन टू द मेंबर ऑफ प्रिविलेज्ड ग्रुप. प्रिविलेज्ड मतलब जिनको कुछ प्रिविलेज मिले हुए हैं या जो ज्यादा फैसिलिटीज इनको मिली हुई है, तो उन लोगों के लिए वो सब्सिडाइज्ड कैंटीन की तरह काम करते हैं.
So I hope it is clear to you what is Bazar Canteen model or subsidized model क्या है. Then अब ये समझिए कि price determinacy क्या है. Indeterminacy मतलब किसी भी चीज का price जो है उसको determine करने का एक particular criteria नहीं है. सिर्फ supply and demand ही नहीं, बाकी सारे काफी ऐसे factors हैं जो price को determine करने में help करते हैं. तो ये जो indeterminacy वाली situation है prismatic society की, इससे क्या होता है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है, डेट्रियोट्स द इकोनॉमिक कंडीशन, ब्लैक मार्केटिंग इंक्रीज होती है, अडल्ट्रेशन मिलावट ज्यादा बढ़ती है, एंड अल्टीमेटली लेड्स टू द हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन. अब जैसे देखिए 2013 के अंदर प्याज और इसके आलू के रेट एकदम से बढ़ गए थे, इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुई, आम आदमी का बजट बिगड़ा. फाइन, ब्लैक मार्केटिंग, लोग ज्यादा से ज्यादा स्टोर करके उसको ब्लैक मार्केटिंग बढ़ी. अडल्ट्रेशन, जब डिमांड ज्यादा होती है तो सप्लाई को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, अडल्ट्रेशन मिलावट करना शुरू कर देते हैं, और फाइनली क्या होता है, इन्फ्लेशन का लेवल कंट्रोल होने के बजाय ज्यादा बढ़ता जाते हैं. फाइन, और ऐसी सिचुएशन जब होती है, इन्फ्लेशन वाली जो सिचुएशन क्रिएट होती है, तो जो साला ऑफिशियल्स हैं यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, दे वुड ट्राई टू डेवलप कॉन्टेक्ट विद फॉरेन बिजनेसमैन एंड मिसयूज फॉरेन एक्सचेंज फॉर प्राइवेट पर्पज. अब एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, साला ऑफिशियल्स हैं, वो क्या करेंगे, वो अपने पर्पस के लिए फॉरेन एक्सचेंज को मिसयूज करेंगे, और इससे क्या होगा, एक्सप्लोइटेशन, पॉवर्टी, सोशल इनजस्टिस, ये सारी चीजें होंगी. सेकेंड थिंग क्या है, वेज जो रिलेशन होता है, वेज रिलेशन इन अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैमिली रिलेशन. अगर आपके फैमिली रिलेशन अच्छे हैं पब्लिक सर्वेंट के साथ, तो हो सकता है बिना काम किए भी आपको अच्छा वेज मिल जाए, और अगर आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है तो हो सकता है ज्यादा काम करने पर भी आपको वेज काफी कम मिले. और जहां पर लो वेज होते हैं, जिनकी कमाई बहुत कम होती है, लो वेज अर्नर जो होते हैं, वो क्या करेंगे, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए या अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, दे वुड बी इंक्लाइंड टू इंक्रीज देयर इनकम. इनकम तो बढ़ानी बढ़ानी है उनको, और किस तरीके से बढ़ाएंगे, वो इललेजिटिमेट मीन्स गलत तरीके से, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की देन है ये. ठीक है, लो वेज अर्नर इलेजिटिमेट मीन्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा उसकी तरफ झुकाव होगा उनका. एंड दस द इकोनॉमिक सिस्टम इन अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी अल्टीमेटली इन्फ्लुएंसेस द पब्लिक ऑफिशियल एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट इट्स गवर्निंग फैक्टर. अब आप ये देखिए, इकोनॉमी ने किस तरीके से पब्लिक ऑफिशियल को अफेक्ट किया, इकोनॉमी में गड़बड़ हुई, इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हुई, तो साला ऑफिशियल्स को, पब्लिक ऑफिशियल्स को मौका मिल गया. फाइन, पब्लिक ऑफिशियल अपने पर्पज के लिए फॉरेन एक्सचेंज को मिसयूज कर रहे हैं. एंड सेकंड थिंग क्या है कि आपका जो मतलब पब्लिक ऑफिशियल के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, लो वेज अर्नर हो आप, फाइन, तो लो वेज अर्नर फिर क्या करेंगे, वो इलेजिटिमेट मीन्स की तरफ ज्यादा मतलब उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होंगे, तो उससे क्या फिर फर्दर इकोनॉमिक की जो कंडीशन है वो खराब होंगी. तो एक तरीके से जो इकोनॉमिक सबसिस्टम है इन अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, इट गेट अफेक्टेड बाय द इट गेट influenced by the public officials and it is also influenced public officials. Fine. Now change in prismatic society. Bazar canteen model आपको समझ में आ गया होगा, but still अगर कोई question है then you can put in the comment section. देखिए, कोई भी चीज develop कब होती है, जब उसको favorable condition मिलती है. Even एक seed भी grow तभी कर पाता है जब उसको favorable condition मिलती है. In the same sense, the pace of development in any society depend on the availability of favorable condition for change in the system. मान लो किसी country के अंदर आप development चाहते हो, लेकिन वहां पर political instability है, मतलब favorable condition है ही नहीं, तो वहां पर development होगी कैसे. अब अगर आप अफगानिस्तान और ये जो countries हैं, मतलब ये जो अफगानिस्तान फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, वो है, तो वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, टेररिज्म है, तो वहां पर अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको वहां पर स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, फाइन, पीस, तो तभी जाकर के आप डेवलपमेंट ला सकते हो. कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट डिपेंड करती है फेवरेबल कंडीशन पे. वेस्टर्न सोसाइटीज जो रही हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, उन्होंने डेवलपमेंट में ज्यादा टाइम लिया है, फाइन, तो एक तरीके से जब ज्यादा टाइम होता है तो वो धीरे धीरे वो आपके बिहेवियर को भी उस तरीके से एडजस्ट कर पाते हैं. सडन चेंज नहीं आया. एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर कोई चीज सडनली चेंज होती है तो आपके बिहेवियर को चेंज होने में टाइम लगता है, लेकिन अगर कोई चीज धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप हो रही है, ग्रेजुअली चेंज हो रही है, तो आप इजिली अपने बिहेवियर को उसके साथ चेंज कर पाते हो. आप 7 बजे उठते हो, एकदम से आपको कोई 4 बजे उठने को कहे, तो ऑब्वियसली वो एकदम सडन चेंज आ गया, तो आपके बिहेवियर को थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज को एडजस्ट करने में, फाइन. So the Western society witnessed relatively longer time span for their development and were able to adjust their behavior gradually to the desired pattern. Western society उसको sustain कर पाई change को,
क्योंकि वो चेंज एक लंबे टाइम पीरियड के बाद आया था. जनरली इन अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी द प्रेशर फॉर चेंज कम्स फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स. और एक चीज ध्यान रखिए कि जो चेंज है अगर वो इंटरनल प्रेशर की वजह से चेंज आ रहा है तभी फायदेमंद है. अगर आपने जबरदस्ती एक्सटर्नल सोर्स से या एक्सटर्नल फोर्स से चेंज लाने की कोशिश की तो क्या है, चेंज तो आ गया लेकिन आपके बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा. इंटरनल अगर आपको ये है कि मुझे 4 बजे उठना है तब ज्यादा बेहतर है रेदर देन कि आपके पेरेंट्स आपको 4 बजे उठने के लिए कहें. तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो चेंज के लिए ठीक नहीं है, इंटरनल सोर्स या इंटरनल प्रेशर ज्यादा अच्छा है. फाइन, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. यहाँ पर कुछ टर्म्स दी गई हैं, टर्म को ध्यान में रखिए और उनका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए, आपको डेवलपमेंट का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. डेवलपिंग कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज के दिन, डेवलपमेंट. और रिक्स ने डेवलपमेंट को यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेट्स सी. तो उन्होंने डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन किया है, अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ऑटोनॉमी ऑफ सोशल सिस्टम्स मेड पॉसिबल बाय राइजिंग लेवल ऑफ डिफ्रेक्शन. सोशल सिस्टम की मनमर्जी, ऑटोनॉमी, उनका काम करने का दायरा बढ़ रहा है. और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफ्रेक्शन का लेवल बढ़ रहा है. डिफ्रेक्शन क्या होता है वो हम यहाँ पे डिस्क्रीशन और डिफ्रेक्शन दोनों की डेफिनेशन दे रखी है. फाइन, डिस्क्रीशन का मतलब टू एबिलिटी टू चूज अमंग अल्टरनेटिव. हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं और हम एबल हैं उन अल्टरनेटिव्स में से चूज करने के लिए. हमारे एक तो दो चीजें हैं, आप इस चीज को ध्यान में रखिए. एक तो कोई दूसरा प्रेशर नहीं कर रहा हमें एक पर्टिकुलर अल्टरनेटिव को चूज करने के लिए, ठीक. दूसरा, हमारे पास अगर हम कोई अल्टरनेटिव चूज करते भी हैं तो हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज है उस अल्टरनेटिव को फॉलो करने के लिए. फाइन, सेकेंड थिंग क्या है, डिफ्रेक्शन. डिफ्रेक्शन क्या है, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन सोशल सिस्टम. नाउ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन क्या है वो फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है, बट आई होप आपको थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन का या डेवलपमेंट का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा. दैट अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ऑटोनॉमी ऑफ सोशल सिस्टम, मतलब प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एबिलिटी टू चूज अमंग अल्टरनेटिव ऑफ सोशल सिस्टम एंड इट इज मेड पॉसिबल बाय राइजिंग लेवल ऑफ डिफ्रेक्शन. डिफ्रेक्शन को एक्सप्लेन करते टाइम यहाँ पर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का समझ में है. मैं आपको समझा देती हूँ डिफ्रेक्शन क्या होता है, कि आप एक हर काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है. डिफरेंशिएशन एंड मतलब एवरी फंक्शन हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर. इंटीग्रेशन मतलब बहुत सारी स्ट्रक्चर तो है लेकिन उनके काम को एक साथ लाने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए क्या है, इंटीग्रेशन टर्म यूज की गई है. फाइन, सो रिक्स कंसिडर्ड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एज द टू की एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. डिफरेंशिएशन मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिचुएशन इन विच एवरी फंक्शन हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर इट्स परफॉर्मेंस एंड इंटीग्रेशन मीन्स मैकेनिज्म टू टाई टुगेदर, टू लिंक अप, टू मैश एंड टू कोऑर्डिनेट द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड रोल्स. The level of differentiation integration represent diffracted and prismatic condition of development. अब आप समझिए कि society है कोई, वहां पर बहुत सारे functions होते हैं, defense का है, development का है, line order को maintain करने का है, revenue collection का है, बहुत सारे काम है. उन काम को करने के लिए अलग अलग structures है, specialized structures है. Fine. तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन का होना ही डेवलपमेंट के लिए जरूरी नहीं है. अब डिफेंस का और बाकी सब जो जितने भी फंक्शंस हैं उन सारी बॉडीज का, सारी स्ट्रक्चर्स का, उनका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, इंटीग्रेशन होना जरूरी है. फाइन, तो रिक्स भी यही कहते हैं कि डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन आर द टू की एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. डिफ्रेक्शन का भी यही मतलब है. डिफ्रेक्शन मीन्स हमने स्टार्टिंग के जब रिक्स का हमने एक्सप्लेन किया था प्रिज्मेटिक और ये फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक सोसाइटी, तब हमने देखा था कि डिफ्रेक्शन का मतलब कि हर एक फंक्शन के लिए एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का होना. सेकेंड थिंग, आप इसको थोड़ा सा डीपली जाके समझिए कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होना ही जरूरी नहीं है, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका इंटीग्रेशन होना भी जरूरी है, दैट इज डिफ्रेक्शन. फाइन, सो अब दोबारा से डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखिए, दैट अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ऑटोनॉमी ऑफ सोशल सिस्टम मेड पॉसिबल बाय राइजिंग लेवल ऑफ डिफ्रेक्शन. आपको अल्टरनेटिव्स में चूज करने की एबिलिटी है, आप जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से आप एक बेस्ट चूज कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास क्या है, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर उस काम को करने के लिए, एज वेल एज सारी स्ट्रक्चर्स इंटीग्रेटेड है या फिर वहां का काम जो है वो कोऑर्डिनेटेड है. फाइन, सो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट. वही तभी डेवलपमेंट होगा. डेवलपमेंट मतलब, आई होप अभी तो आपको क्लियर हो गया, बट स्टिल कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, में आप दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं. फाइन, देन
अब क्या है कि जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन मतलब स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर एवरी फंक्शन, वो डिपेंड करती है टेक्नोलॉजिकल एंड नॉन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर. फाइन, डिफरेंशिएशन तो दो चीजों पे, टेक्नोलॉजिकल एंड नॉन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर. जो इंटीग्रेशन है ये भी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, फर्स्ट इज पेनिट्रेशन एंड सेकेंड इज पार्टिसिपेशन. पेनिट्रेशन मतलब कि गवर्नमेंट की एबिलिटी क्या है टू मेक एंड कैरी आउट डिसीजन थ्रू आउट द कंट्री. पूरी कंट्री में गवर्नमेंट किस तरीके से डिसीजन लेती है या किस तरीके से उनको कैरी आउट कराती है, दैट इज पेनिट्रेशन. सेकेंड थिंग इज पार्टिसिपेशन. पार्टिसिपेशन इज द रिसेप्टिविटी ऑफ टू लॉ एंड विलिंगनेस टू हेल्प कैरी आउट द लॉ एंड पॉलिसीज विद द गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड. पार्टिसिपेशन के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल टू पार्टिसिपेट. अब जैसे देखिए, अब समझिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट खोले गए, फाइन. अब अकाउंट, ये जब योजना चलाई गई थी तब ये देखा गया था कि पेनिट्रेशन कितना है, मतलब गवर्नमेंट की पहुंच कितनी है थ्रू आउट द कंट्री. सेकेंड थिंग क्या है कि लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लॉ है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, तो लोग कितना आ करके उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. पार्टिसिपेशन इन द सेंस कि लोग कितना चाहते हैं उस चीज को, विलिंगनेस कितनी है. सेकेंड, एबिलिटी है कि नहीं है. हम योजना, हम चाहते तो हैं कि हमारा अकाउंट खुले जनधन योजना के तहत, हमारा अकाउंट खुले, या तो हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर वहां पर कोई बैंक ही नहीं है, तो मतलब हम चाह करके भी उस चीज के लिए एबल नहीं है. और अगर हमारे पास फैसिलिटी है तो विलिंगनेस नहीं है. विलिंगनेस इंटरनल फैक्टर होता है हर इंसान का, और एबिलिटी जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर होती है. फाइन, तो आई होप आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा. फाइन, सो दैट इज ऑल अबाउट this bazar canteen model and development model. thank you so much. and next topic jo hai wo yahan par hum isko rigs ko matlab finish karte hain. critics ke bare mein study karenge, critics as well as inka jo contribution kya raha comparative public administration ke area mein. so uske baad hum apna next topic start karenge, development administration. subscribe the channel, like the video, कमेंट. एंड कमेंट आपने क्या करना, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड वेट फॉर द संडे, संडे को 10 या 11 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी जिसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी. फाइन, सो